गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पेट्स एंड व्हील्स। तो आज एक्चुअली कल शादी का पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं एक्चुअल घूमने, मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला मैक्लोडगंज। तो रास्ते में यहाँ पे कांगड़ा फोर्ट लगता है, तो पहला जो हमारा जो स्पॉट रहेगा वो वही रहेगा। और अभी जो फ़िलहाल है गाड़ी रोहित चला रहा है, दोस्त ने गाड़ी दी है, और हमारे साथ हमारे एक और एक नए दोस्त बने हैं, जग्गी बाजी। हाय कर दो सर। हाय हाय। तो उन्हें हमने बैक सीट पे बिठा दिया है थोड़ी देर के लिए, और अभी गाड़ी रोहित चला रहा है। शायद मैं भी चलाऊँ, रोहित गाड़ी चलेगा ना? हाँ, तो शायद मुझे भी गाड़ी चलाने को मिलेगी, देखते हैं आगे चल के। तो अभी नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, अभी टाइम शायद 11:30 हो रहे हैं। 11:30 हो रहे हैं, ओके। तो अभी पहुँचने के लिए शायद हमें 12 बज जाएंगे, तो 12 बजे कांगड़ा फोर्ट देखेंगे। मैंने सुना है बहुत ही अच्छा फोर्ट है, तो रास्ते में ही पड़ता है तो वहाँ जाना तो बनता है, तो लेट्स गो। इस फोर्ट को देखने के लिए आपको 20 रुपए का टिकट निकालना पड़ता है, बट द प्रॉब्लम इज कि कैश पेमेंट अवेलेबल नहीं है, ओनली ऑनलाइन। सो पहले हमने कैम स्कैनर ऐप डाउनलोड किया, एंड देन वी स्कैन द QR कोड, एंड देन यू गेट डायरेक्टेड टू देयर वेबसाइट, और वहाँ जाके आपको टिकट मिलता है। सो दिस प्रोसीजर वॉज टू मच ऑफ टाइम टेकिंग। पर्सनली आई डेंट लाइक द कंपल्शन ऑफ बाइंग टिकट्स ओनली ऑनलाइन, कैश का ऑप्शन होना चाहिए था। सो एनीवेज लेट्स एंटर द फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट हिमाचल का सबसे सुंदर फोर्ट है, जो कि आज भी बहुत मजबूती से खड़ा है। ये फोर्ट ओल्ड कांगड़ा में लोकेटेड है। इसका निर्माण कांगड़ा के शाही राजपूत फैमिली ने किया था। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं कांगड़ा फोर्ट पे। हम लोग ऊपर तक आ गए हैं, मिडिल इसमें है लेवल पे। यहाँ से व्यू भी बहुत सुंदर है, और जो आप पीछे देखेंगे इस साइड पे, और मेरे पीछे आपको अगर पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ से आपको जो पहाड़ियाँ दिख रही है बर्फ़ वाली, वो आई थिंक सो मेरे हिसाब से धौलाधार रेंजेस कहते हैं, जो पंजाब से भी दिखती है, और धर्मशाला से और क्लियर आके जाके दिखेंगे। इस किले पर कई मुस्लिम शासकों ने अटैक किया है, जैसे मोहम्मद गजनी, फिरोज शाह तुगलक और शेर शाह सूरी। 1620 से 1783 तक ये किला मुगलों के पास था। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने इस किले को जीत लिया था, और फाइनली 1846 के एंग्लो सिख वॉर के बाद ये फोर्ट ब्रिटिशर्स के पास चला गया था। इस किले पर आपको आज भी कई सारे मंदिरों के अवशेष दिख जाएंगे, जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर, अंबिका माता मंदिर और जैन मंदिर। इस किले पर कई दरवाजे भी हैं, जैसे रणजीत सिंह द्वार, जहांगीर दरवाज़ा और बरसानी दरवाज़ा। इस किले को बाणगंगा और माझी नदी के संगम पर बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है, इसी कारण इस किले के चारों ही ओर से बहुत ही सुंदर व्यूज देखने को मिल जाते हैं। इस किले से लगकर महाराजा संसर चंद कटोच म्यूजियम भी है, जो कि कांगड़ा का शाही परिवार चलाता है, और इस म्यूजियम से आपको फोर्ट में घूमने के लिए ऑडियो गाइड्स भी मिल जाते हैं। सो अगर आप कांगड़ा में हैं या हिमाचल घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो कांगड़ा फोर्ट जरूर देखने आइए। सो यहाँ पे हमारे इस फोर्ट की टूर ख़त्म होती है। आपने देखा होगा ये फोर्ट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पुराना फोर्ट है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आई होप हमने आपको अच्छे से दे दी है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, लंच करेंगे ना पहले, जग्गी बाजी लंच करेंगे। हाँ, तो लंच करेंगे और उसके बाद में सीधा धर्मशाला। चलिए, thank you.
धर्मशाला पहुंच गए हैं और आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये एक वॉर मेमोरियल है ना, हाँ युद्ध संग्रहालय है। तो हम लोग रास्ते पे लगा है तो वहाँ भी जाने वाले हैं, तो पहले थोड़ा सा लंच कर लेते हैं और फिर अंदर जाते हैं। किया है, एक है वेज रोल, एक है चिकन क्रंची रोल और एक है चिकन कबाब रोल। तो वेज खाएंगे जग्गी बाजी और बाकी के दो हम दोनों खाएंगे। ये है वेज चाउमीन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, खाओ। अभी पहुंच चुके हैं मैक्लोड धर्मशाला के स्टेडियम में। सबसे हाइट के ऊपर बना हुआ ये स्टेडियम है, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। चलो अंदर चलते हैं। ₹30 है, चार्जेस है एंट्री के। 3 लोग हैं हम लोग, कैमरे का मैंने पूछा नहीं है, अंदर चल के देखते हैं। स्टेडियम आई थिंक ये सबसे ऐसा स्टेडियम है जो सबसे मतलब ज़्यादा हाइट पे ये स्टेडियम बना हुआ है और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे एंट्री का टिकट जैसे मैंने आपको बताया ₹30 एंट्री है पर पर्सन। और यहाँ से जो व्यू है आप देखिए, स्टेडियम के पीछे फुल ये धौलाधार रेंजेस कहते हैं इसे, जो माउंटेन्स हैं। अभी थोड़ी सी मतलब यहाँ पे क्लाउड्स हैं तो क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे पीछे पूरे बर्फ की पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही यहाँ से सुंदर दिखती है। बहुत ही सुंदर स्टेडियम है, यहाँ पे खेलने वालों को भी बहुत मज़ा आता होगा, आई एम वेरी श्योर। अभी हम आए हैं धर्मशाला के एक टी गार्डन में। इस टी गार्डन का नाम है कुछ तो मान टी इस्टेट लिखा हुआ है उन्होंने। और यहाँ पूरी प्रॉपर्टी है जहाँ सिर्फ टी गार्डनिंग की हुई है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ किसी टी गार्डन में, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं टी गार्डन होता कैसा। चाय महंगा हो जाएगा, खराब होइल म्हणून की मी पडेन मेते। तुम गिरोगे उसका टेंशन नहीं है, चाय गिरेगा उसका टेंशन है। चाय महंगी होगी, इतना भी नुकसान हो गया तो। सो गाइस, हमने धर्मशाला देख लिया है और अभी हम जा रहे हैं मैक्लोडगंज की तरफ।
धर्मशाला से मैक्लूडगंज अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स है और अभी बज रहे हैं शाम के 6:45 और ठंड बढ़नी स्टार्ट हो गई है. सो नाउ वी आर टेकिंग अ स्मॉल स्नैक्स ब्रेक. क्या करियो? मूंगफली खा रहे हैं. अच्छा, जल्दी बाजू चंडीगढ़ से मूंगफली लेके आए खा रहे हैं. और अभी आ रही है चाय, वो देखो. तो अभी हम आए हैं मैक्लोडगंज की मार्केट में. मार्केट दिखा रहे, ये देखो, ये है मार्केट मैक्लोडगंज की. यहाँ पे सब होटल्स है, कैफेज है. ये मेन स्ट्रीट है और उसके ही सामने रिक्शा है. खाने के लिए जा रहे हैं. हाँ, चिकन स्टीम मोमोस. ओके, स्टीम हो रहा है. ओके, स्टीम हो रहा है. कुछ खास पसंद नहीं आए. आई गॉट लिटिल डिसअपॉइंटेड. सो आई विल सजेस्ट यू टू ट्राई सम अदर प्लेस फॉर मोमोज. तो अभी हम जा रहे हैं इस कैफे में, कैलिनकॉन्ग रेस्टोरेंट. यहाँ पे तिब्बतन फूड मिलता है, तो देखते हैं अंदर जाके क्या क्या मिलता है. चलो. This is what we have ordered, mock thuk, mutton mock thuk. इसमें है ये सूप और मटन मोमोज. दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा है. So now we are going to search a hotel room for our 3-night stay in McLeodganj. So ab main aapko milti hu next vlog mein with all the details of our hotel room and the actual tour of McLeodganj. I hope you liked our vlog. If you did, then don't forget to hit the like button and please subscribe our channel for food and travel related videos. Thank you.